नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। अब खबरें अन्य राज्यों से। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार की शुरुआत सलकनपुर के देवी धाम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रचार की शुरुआत के बाद मीडिया से बातचीत में राजकुमार पटेल ने कहा कि बुधनी कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो इस सीट को फिर से कांग्रेस की झोली में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदेश और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि इन समस्याओं का समाधान करने में दोनों ही सरकारें विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता की आवाज़ बनकर उनके मुद्दों को उठाएंगे। राजकुमार पटेल ने कहा कि किसानों की समस्याओं पर भी जोर दी। किसानों को मूंग का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, बुधनी मेरा घर है और यहाँ की जनता मेरे सर माथे पर रहेगी। सीहोर से विजय मालविया की रिपोर्ट। घोषित किया है 18 साल मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, कौन क्या रहा क्या नहीं रहा वो बातें पुरानी हो गई। अब सामने जो हमारे हैं वो है बुधनी विधानसभा का उपचुनाव। बुधनी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ के रूप में जानी पहचानी रही। विगत 20 वर्षों से जरूर हम लोग यहाँ पिछड़े हैं, लेकिन अब जब जमीन खाली हुई तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी जमीन वापस लेकर आएँ और कांग्रेस की झोली में फिर उसको दें। तो इसलिए हम इसमें जीत के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे अनेक हैं। अब एक उपचुनाव से ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरनी, ना एक उपचुनाव की जीत से कांग्रेस की सरकार बननी। लेकिन आज न सिर्फ बुधनी की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की और देश की एक आवाज़ है। वो आवाज़ ये है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसानों के साथ जो अत्याचार और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है,